क्या श्रीलंका क्रिकेट बैन होगी, क्या जो सफर चलता हुआ आ रहा था श्रीलंकन क्रिकेट टीम का, जहाँ पे एक समय पे डोमिनेट किया था पूरे वर्ल्ड में और एक टाइम पे अब श्रीलंकन क्रिकेट खत्म होने की कगार पे है। तो दोस्तों डिस्कस करेंगे इस चीज को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मानस और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि श्रीलंकन क्रिकेट असल में बैन होगी। तो देखिए, आप लोगों ने अभी न्यूज ट्रेंडिंग में है कि श्रीलंका में इमरजेंसी इम्पोज कर दी गई है, और इमरजेंसी एक सिचुएशन होती है जहाँ पे लोगों के जो राइट्स होते हैं उनको कर्टेल कर दिया जाता है, यानी उनको कंप्रेस कर दिया जाता है। सारे राइट्स जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाते हैं, तो लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो उनके पास नहीं रहते, उनको नल एंड वॉइड कर दिया जाता है। सिचुएशन तब अराइज हुई लॉकडाउन के बाद, जब देखिए पूरे वर्ल्ड में कोरोना की ये लहर जो थी उसके बाद इनका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो पूरी तरीके से डाउन हो चुका था। और साथ ही में देख सकते हैं आप जो है इनका $4 बिलियन का कर्ज चढ़ा हुआ है इनके ऊपर, और फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स हैं वो 70% तक फॉल हो चुके हैं आखिरी दो सालों में, जो कि टोटल इनका मिला के हो गया कुछ $2.31 बिलियन का ये फॉल हो चुके हैं। $2.31 बिलियन से फॉल हो चुके हैं फॉरेन एक्सचेंज, और $4 बिलियन का श्रीलंका के ऊपर कर्ज चढ़ चुका है। पाकिस्तान से डबल मान सकते हैं आप इस कर्जे को, कि पाकिस्तान पर $2 बिलियन का कर्ज चढ़ा हुआ है। अब देखिए कुछ जो फैक्ट्स सबसे क्या बोल सकते हैं उनको, बहुत रिडिकुलस फैक्ट जिसे अपन बोल सकते हैं। सबसे मेन फैक्ट ये है, अभी न्यूज़ रिसेंटली आई थी कुछ 15-20 दिन पहले, कि इनके जो एग्ज़ाम्स हैं इनको पोस्टपोन कर दिया गया, क्योंकि जो आंसर शीट्स होती है, जो पेपर लगता है आंसर शीट्स बनाने में, वो भी इनके पास अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे भुखमरी उस लेवल तक पहुँच चुकी है जितना आज से पहले कभी नहीं गई इधर, और इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था श्रीलंकन्स ने। और भुखमरी है, इन्फ्लेशन रेट कुछ 60-70% बढ़ चुका है चीज़ों का। अब देखिए इन्फ्लेशन के चलते चलते लोगों के पास खाने का है नहीं, तो क्राइम रेट भी इनका बढ़ चुका है, तो पूरी तरीके से श्रीलंका में क्राइसिस फैल चुका है। सिविल वॉर के बाद जो हुआ था 1950s में राइज हुआ था, सिविल वॉर के बाद सबसे गंदी कंडीशन अब ये चालू हुई है। और हमारे पास कुछ और भी फैक्ट्स हैं। लॉकडाउन फर्दर एडेड टू इट्स वोज एंड इम्पैक्टेड द इनफॉर्मल सेक्टर हार्ड, विच अकाउंट्स फॉर नियरली 60% ऑफ द कंट्रीज वर्कफोर्स। देख सकते हैं आप कि 60% तक कंट्री के वर्कफोर्स पे इफेक्ट किया गया है। जो लोग पहले फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे थे वो इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। लोगों के पास इनकम सोर्स बिल्कुल नहीं है। टूरिज्म एक मेन सोर्स था इधर का, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे पास में इंडियन ओशन है, वहाँ पे आइलैंड्स बहुत फेमस है श्रीलंका के, इनके पास बहुत अच्छे अच्छे टूरिज्म सोर्सेज हैं, पर उनका भी धंधा चौपट हो चुका है कोरोना के बाद। ये देख सकते हैं $2.31 बिलियन से नीचे आ चुके हैं ये यहाँ पे, और फॉरेन करेंसी शॉर्ट हो चुकी है। टूरिज्म जो की सोर्स था इनका, जैसा कि मैंने बात की उसमें, द कंट्री इज लेफ्ट विथ फॉरेन रिजर्व ओनली अराउंड and even it faces debt payments of about $4 बिलियन through the rest of the year. $4 बिलियन का कर्ज चढ़ा हुआ है IMF World Bank से। साथ ही में कल रिपोर्ट के साथ जो हमारे पास रिपोर्ट आई थी, तो इनके प्राइम मिनिस्टर है राजापक्षा जी, महिंदा राजापक्षा उनका नाम है, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। एमरजेंसी इम्पोज तो पहले से ही है यहाँ पे, एमरजेंसी इम्पोज कर दी गई है क्योंकि बहुत हालात बिगड़ रहे थे इधर। बात करते हैं अब श्रीलंकन क्रिकेट पे इसका क्या असर पड़ेगा। ये चैनल क्रिकेट की चीज़ों को प्रमोट करता है, हालांकि हमने कुछ जनरल जो जेन्युइन चीज़ें हैं उनके बारे में बात की इधर, लेकिन साफ में सबसे बड़ी दुर्घटना में है श्रीलंकन क्रिकेट। अब आप देखिए, आप इमेजिन कर सकते हैं, एक अपन एक आदमी को लेकर चलते हैं, उस आदमी के पास खाने तक के पैसे नहीं है, तो आपको क्या लगता है वो क्रिकेट चला पाएगा अपना, या वो अपने बच्चों को क्रिकेट खेलने देगा? ये नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके पास खाने के पैसे नहीं, जिसको अपनी कंट्री को चलाने के पैसे नहीं है, जिसके ऊपर $4 बिलियन का कर्जा चढ़ा हुआ है, तो वो देख सकते हैं आप कि किस तरीके से वो क्रिकेट को चला पाएगा। क्रिकेट बोर्ड आप देखिए, टूरिज्म पूरा डाउनफॉल हो चुका है। श्रीलंका जो कंट्री है वो टूरिज्म के मामले में top 10 में आती है विजिटर्स के उसमें, पर फिर भी इधर इनकी हालत इतनी बदतर से बदतर होती जा रही है दिन ब दिन, क्योंकि अब तो सिविल वॉर के कारण टूरिज्म का धंधा एकदम चौपट हो चुका है, नेगेटिव में चल गई है इनके रेशियोज आप देख सकते हैं। और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड टू होल्ड एन इमरजेंसी मीटिंग, जल्दी एमरजेंसी मीटिंग रखेगी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की आगे जो फैसले लेने हैं। इसके साथ ही रिजेंबलेंस में अगर लॉजिक ऑफ एनालॉगी की बात करें, जो सिमिलैरिटीज के बाद में बात करेंगे, 2019 में जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड भी ऐसे ही बैन हो चुका था, जिम्बाब्वे टीम बैन हो गई थी क्योंकि उनके पास जूते खरीदने तक के पैसे नहीं थे, जिम्बाब्वे की पूरी एक्सटर्नल डेट चढ़ गया था उनके ऊपर। और साथ ही में आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल डेट चढ़ गया था, फॉरन जो पेमेंट्स थे उनके वो भी, फॉरेन रिजर्व्स जो होते हैं वो भी गिर चुके थे। फॉरेन रिजर्व्स आप कह सकते हैं जो कंट्री ट्रेड करती है, तो फॉरेन रिजर्व्स काम में आते हैं दूसरी कंट्रीज के,
माफ उस मामले में जब दूसरी कंट्री से आप ट्रेड करते हैं, तो आप जब उनको उनकी करेंसी देते हैं तो फॉरेन ट्रेड जो करेंसी यूज आती है ट्रेड में, उसे अपन फॉरेन करेंसी बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कुमार संगकारा, श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस एंड प्रोटेस्ट, पीपल आर नॉट एन एनिमी। ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ श्रीलंका शेड्यूल टू अंडर वे ऑन 7 जून, बट द ऑनगोइंग क्राइसिस इन द कंट्री हैज पुट फर्दर डाउट्स ऑन द अपकमिंग टूर। सोर्स इन श्रीलंकन क्रिकेट व्हाइल स्पीकिंग टू द पब्लिकेशंस, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हैज गिवन अस गो अहेड, वी आर कॉन्फिडेंट दैट द टूर विल गो अहेड, ऑब्वियसली मंडेज वायलेंस अगेंस्ट पुट सम क्वेश्चंस मार्क्स, बट वी आर स्टिल कॉन्फिडेंट दैट आवर टूर विल गो अहेड। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हो रहा है, 7 जून तक इनकी सीरीज चालू होने वाली है आईपीएल के जस्ट बाद, लेकिन इस पे भी सवाल मंडरा रहे हैं क्या ये हो पाएगी सीरीज, क्योंकि आप जेन्युइनली एक आप देखिए ऑथेंटिसिटी से सोचिए, आप थोड़ा लॉजिक वाले उस सेंस से, जिस देश के पास अपना खर्चे चलाने के लोग, आप देख सकते हैं ऐसी वीडियोज आ रहे हैं, ऐसी फोटोज आ रही हैं जिनमें लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, लोग रो रहे हैं वहाँ पे, इतने गंदे गंदे वायलेंस हो रहे हैं वहाँ पे, इतनी रैलीज निकल रही है अगेंस्ट में, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, सिविल वॉर की कंडीशन बन रही है, और वहाँ पे आप सोच सकते हैं कि क्रिकेट चल पाएगा। जब लोगों के पास इनकम सोर्स नहीं है तो वो क्रिकेट कहाँ से चला पाएंगे। जैसा कि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, एक आदमी की सोच के देखिए, जिसके पास खाने के पैसे नहीं है वो आपको लगता है क्रिकेट चला पाएगा। जिम्बाब्वे भी ऐसे ही इस दौर से गुजरा था। यहाँ पे जय शाह वापस से सोच रहे हैं कि एशियन क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी है जय शाह, तो इनकी भी एक मीटिंग होस्ट होने वाली है जल्दी, ताकि ये डिसाइड कर पाएं कि क्या एशिया कप यहाँ पे हो पाएगा श्रीलंका में। इसके भी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, अभी एक रिसेंटली खबर आई थी कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयर्स को वापस बुला रहा है जो आईपीएल में खेल रहे हैं, पर वो जाने को तैयार नहीं है, और ऑब्वियसली जाएंगे भी क्यों, क्योंकि इनको अगर वहाँ पर इतनी अच्छी कंडीशन मिल रही है और वहाँ पर जाके बदतर से बदतर देखना है हालात, तो यहाँ पर रह के बढ़िया अपनी टीम को सपोर्ट कर पाएंगे वो। ये इनकी पर्सनल चॉइसेस है प्लेयर्स के ऊपर, बट एट द सेम टाइम वी शुडंट ओवरलुक द कंडीशंस विच आर प्रिवेलिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे राणा तुंगा एंग्री एज एशिया कप कुड बी मूव्ड आउट ऑफ श्रीलंका, ये बिल्कुल वो चीजें हैं। इन सबको बैक करिए, मैं वापस से टॉपिक पे आते हैं, फोटोज हटाइए इन सबको। नॉर्मली जेन्युइनली जैसा कि हम बात कर ही रहे थे, तो ये हमने आपको यहाँ पे बता दिए सारे, और एक कंडीशन यहाँ पे भी आ सकती है। देखिए, हम पॉसिबिलिटी जता रहे हैं, हम श्योरली नहीं कह रहे इस चीज़ को, लेकिन हम पॉसिबिलिटी जता रहे हैं कि एक कगार ये आ सकती है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड बैन हो सकता है। आप लॉजिकली इन चीज़ों को सोच के देखिए कि कहाँ किस स्थिति में लोग गुजर रहे हैं वहाँ पे, ऐसे में क्रिकेट सपोर्ट नहीं किया जा सकता वहाँ पे। आप मैच होता है, एक मैच कंडक्ट होता है, तो मैच में आपके पास सारी चीज़ें चाहिए होती है आपके ऊपर, ये सारी जो मैच लाइट्स होती है, लाइट्स होती हैं, फिर हेडलाइट्स वगैरह जो भी आती हैं, फिर प्लेयर्स की सिक्योरिटी के ऊपर खर्चा, फिर उसको कंडक्ट करवाने के लिए, फिर ग्राउंड एम्पायर, ऑन फील्ड एम्पायर्स, और फिर इन सबको रेगुलेट करवाने के लिए पुलिस वगैरह फोर्सेस। अभी पुलिस फोर्सेस कहाँ से इनको सपोर्ट कर पाएगी जब सिविल वॉर वैसे ही चल रहा है, कहाँ से सपोर्ट होएगा? कुछ भी हो सकता है, कभी अटैक्स हो सकते हैं, सिविल वॉर की कंडीशन बन रही है यहाँ पे। तो ऐसे हालातों में चलिए ठीक है, पैसे की भी एक बात हटा के देखें, तो कौन सी टीम यहाँ पे टूर करने जाएगी जहाँ पे सिविल वॉर की कंडीशन अराइज हो रही है? कौन सी टीम वहाँ पे जाना चाहेगी जहाँ पे इतना वायलेंस हो रहा है, जहाँ पे कभी भी उनके ऊपर रिस्क बन सकता है? तो ये तो है कि दूसरी टीम्स जाना श्रीलंका में वाजिब नहीं लगता। हम बात करते हैं कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को अब बुरे दिन देखने चालू करेंगे, तो आपके क्या ओपिनियन है वो भी हमें बताइएगा। लेकिन जहाँ तक है, हमने जो पॉसिबल कंडीशंस जताई है, रीजंस भी दिए हैं, कॉजेज भी दिए हैं, सारी चीज़ों के साथ हमने आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, और मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय। और ये हम देखिए डिस्क्लेमर दे देता हूँ वापस से मैं, कि ये पूरी श्योर खबर नहीं है, पर हम अपनी पॉसिबिलिटी जता रहे हैं, हम अपने वो बता रहे हैं कि क्या कंडीशंस हो सकती है। तो गाइज यही था, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।